वेट क्लास, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.8, पेज नंबर 8, मेरे साथ करना स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन सी इक्वल्स एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब ब्रैकेट में जो सेट्स होते हैं हमने पहले उनको सॉल्व करना, तो उसके बाद वाई वाले सेट को सॉल्व करना होता है। मेरे पास है एक्स की वैल्यू ए बी सी एन की और वाई की वैल्यू बी डी सी एन है और जेड की वैल्यू सी एफ जी एच। आप सोल्यूशन में गए सबसे पहले आपने क्वेश्चन दिखा जो हमने वेरीफाई करना है, पास है ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, यूनियन का। उन्होंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल पहले वाली वाली बोलते बाद वाली राइट हैंड साइड है। y यूनियन z पहले ब्रैकेट में आप सॉल्व करते हैं, y यूनियन z y की वैल्यू पहले आप लिखेंगे b d c f यूनियन z z की वैल्यू c f g h। अब यूनियन में क्या होता है, दोनों साइड्स के जितने भी एलिमेंट्स को एक साइड पे लिख दिया जाता है, हम वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू जैसे लिखा जाता है अल्फाबेट्स वैसे ही लिखेंगे। y यूनियन z क्या होगा, b c d f g h, जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखते हैं। इसके बाद y यूनियन z हमारे पास ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब x यूनियन y यूनियन z निकालेंगे, अब x सेट का हम यूनियन निकालेंगे y यूनियन z के साथ जो आंसर है हमारा। हम पहले x सेट की वैल्यू लिखी इस बार यूनियन का y यूनियन z डी वैल्यू लिखी, अब हमने x यूनियन y यूनियन z में फिर से यूनियन था तो इनकी कंबाइन की एक सेट में लिख दिया, हमारे पास आ गया a b c d f g और h। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है x यूनियन y यूनियन z। अब पहले x यूनियन y ब्रैकेट में इसे पहले ये सो करेंगे, x की वैल्यू a b c d और u y की वैल्यू b d c f। अब x यूनियन y में आ गया a b c d और f, इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद अभी ब्रैकेट में सॉल्व होगा, इसके बाद यूनियन z निकल जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे, x यूनियन y की वैल्यू लिखी यूनियन z की और z की वैल्यू c f चेंज। लास्ट में आपका आंसर आ गया a b c d f g और h, लास्ट का टू बिट दोनों का आंसर जो सेम आ गया। यहां पर आपके पास x यूनियन y यूनियन z का भी आंसर यही आता है a b c d f g h, और आपका साइड एंड साइड का भी आंसर सेम है। तो आप लास्ट में लिखोगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। आपने वो सब टू के सारे पार्ट्स जो है वो जब इंटरसेक्शन साइन होगा तब इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे, ओके। आपने ये जो पार्ट्स हैं ये सारे सॉल्व